अस्सलाम वालेकुम। ड्राइंग रूम टॉक के एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ आपका होस्ट फहद सिमाम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू रेडियो दर्शन आपके भरपूर सितारों को हमारे साथ आपके साथ लेके आ रहा है, आपके सामने लेके आ रहा है, आपसे आपसे मिलवा रहा है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक कीजिए। इसके अलावा हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, तो वहाँ भी हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ जाए, अपने सितारों को हमारे साथ देखते रहें। तो आज के शो की बात करते हैं। आज के शो के हमारे मेहमान बहुत ही खास, मल्टी टैलेंटेड, उन्होंने ड्रामा सीरीज लम्हे और तवान में बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। उसके अलावा उनके दो जबरदस्त सॉन्ग्स उन्होंने रिलीज किए हैं, मलंग तो सुनो। और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जाननी कोशिश करते हैं कि उनके करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू आर वेलकम। गेस्ट में क्या चल रहा है आजकल? हाउ इज एवरीथिंग ओवर देयर इन पाकिस्तान? आई मीन थिंग्स आर गोइंग गुड। कोविड की वजह से काफी चीजें रुकी हुई थी, बट नाउ इट लुक्स लाइक थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह, सो या पाकिस्तान में तो क्या कुछ चल रहा है वो सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता। मैं खुद क्या कर रहा हूँ उसके बारे में आई कैन शेयर फ्यू थिंग्स। जरूर। आई एम वर्किंग ऑन सम न्यू सॉन्ग्स। आई हैव रिटन डाउन लाइक अ गुड नंबर ऑफ सॉन्ग्स। अब उनकी प्रोडक्शन वगैरह और वो सारा सिलसिला चल रहा है। That's जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से पहले कि आपकी जर्नी, आप माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड, आप एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सॉन्ग राइटिंग भी करते हैं, तो ये इन जी। सारी चीजों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? इंटरेस्ट सर कैसे डेवलप हुआ? आई डोंट नो, आई थिंक ये इनबॉर्न चीज थी मेरे में। जबरदस्त। से ही आई वॉज वेरी इंक्लाइंड towards music, towards acting. I love dancing, I अच्छा, love movies. जी, जबरदस्त। मेरी फैमिली में कोई भी शादी हो और उस शादी में मैं हूँ तो वो जो कहते हैं कि शोहर नहीं लगता, तो वो वाला सीन बचपन से ही है, अभी भी है। I was always very interested and keen in learning to play music, to do music, to act. तो ये आई थिंक ये एक इनबिल्ट चीज है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसी इन्हीं दो चीजों के लिए बना हूं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये आपने इसने बताया सिंगिंग और डांसिंग का, मुझे बड़ा शौक है डांसिंग का। मेरे साथ भी यही होता है नॉर्मली कि फैमिली में कुछ शादी है तो सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हल्ला गुल्ला यही लगाएगा। जी, वो काफी ज्यादा अक्सर बंदा प्रेशराइज फील करता है उसकी वजह से। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आपको टीवी इंडस्ट्री में या मीडिया इंडस्ट्री में कौन सा आर्टिस्ट या कौन सा एक्टर पसंद है जिसको आप आइडलाइज करते हैं, कि जिसको होता है ना कि एक जिसको देख के आप कहते हो यार आई वांट टू बी दैट, मतलब मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या आइडलाइज है? हाँ, लाइक हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जनरली पाकिस्तानी या बाहर भी? पाकिस्तानी इंडस्ट्री में देखा जाए तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इमाद इरफानी, एंड आई वाज लकी इनफ के जो द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट वाज विद हिम। अच्छा और भाई, तावान एक ड्रामा मैंने किया था बैक इन 2018। आई हैडन्ट सीन मच वर्क ऑफ हिम बिफोर, बट जैसे जैसे मैंने उनको जाना, मेरी उनसे जिस तरह दोस्ती हुई, सेट पे हमारा जब पहला दिन था तो मेरा तो वो जिंदगी में लाइक पहला दिन था टीवी पे काम करने का। सो ही वॉज एन एक्सपीरियंस गाय। उनको ऑलमोस्ट 10-12 साल की मॉडलिंग का उनके पीछे एक्सपीरियंस था, फिर एक्टिंग करते हुए भी तब उनको आई गेस 5 या 6 साल हो गए थे। सो ही वाज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी बैक देन। तो हुआ कुछ यूं कि
मेरा पहला दिन था, मैं काफी नर्वस था। सो मैंने अपनी एंजाइटी छुपाने के लिए ईयरफोन्स लगा लिए मेकअप रूम में, जब हम बैठे हुए थे। सो आई वाज लिसनिंग टू सम म्यूजिक। सही वाज के क्या सुन रहे हैं आप? तो आई वाज लिसनिंग टू यू टू। यू टू इज माय लाइक वेरी 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 टॉप फेवरेट बैंड। तो मैंने उनको कहा कि आई डोंट नो इफ यू हर्ड द नेम, बट एक बैंड है यू टू, मैं उनके गाने सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कौन सा गाना सुन रहे थे आप? फिर हमारी गपशप उस पे हुई। फिर उनको मैंने बताया कि लाइक एक्टिंग में तो ये मेरा पहला दिन है, बट आई बीन डूइंग सम म्यूजिक फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। सो ही गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन watching me play the guitar or sing. So the next day he asked me to bring my guitar with me. अच्छा। मैं सेट पर, जी मैं सेट पर गिटार लेकर गया, फिर मैंने कुछ गाने शाने गाए। और उसके बाद I don't know, उनका कुछ था, उनको सिंगिंग का, सिंगिंग सीखने का बहुत शौक था काफी लाइक बचपन से, बट उनको कभी कोई कुछ इस तरह का बंदा मिला नहीं जिसके साथ वो म्यूजिक की बात कर सके या जिससे वो डायरेक्टली कुछ सीख सके। सो इवेंचुअली मेरा बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और मजेदार सा रिलेशन बन गया उनके साथ। ही बिकेम माय एक्टिंग कोच एंड आई बिकेम हिज वोकल कोच। सो वी यूज्ड टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स एंड द कंपेनियनशिप इज स्टिल गोइंग ऑन। सो इफ यू आस्क मी हु इज माय फेवरेट एंड हु आई वांट टू बी लाइक, I think Imad is the one who's doing really good. There is another actor, Ahmed Ali Akbar. I love Ahmed's work. बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। उनके अलावा there is Noman Ijaz साहब हैं। I mean काफी हैं ऐसे तो देखा जाए तो इंडिया में आजकल I'm really liking एक टैलेंटेड इमर्जिंग टैलेंट है, खैर काफी इमर्ज कर गए हैं, अली फजल उनका नाम है। अली फजल समवन हु हैज रियली इंस्पायर्ड मी। अदर देन दैट आई लव अक्षय कुमार। हॉलीवुड में अगर आई लव डैनियल डे लुइस, आई लव डेंजल वॉशिंगटन, आई लव लियोनार्डो डिकैप्रियो। आई मीन काफी बिल्कुल। अच्छा अभी आप बता रहे थे तवान के हवाले से, तवान की बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग तवान। अच्छा अभी तवान में आपका रोल एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल है, इट्स काइंड ऑफ रियली डिफाइनिंग। व्हाट वर द चैलेंजेस उस रोल को प्ले करने में, क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि इस तरह के रोल बड़े क्रिटिकल इन अ सेंस होते हैं कि यू हैव टू बी ऑन पॉइंट, मतलब आपको ऑडियंस में ना उतरना पड़ता है। असल में तवान वाला जो किरदार था वो मेरे लिए प्ले करना मुश्किल नहीं था। मतलब मैं क्या नुआंसेस शो कर रहा हूँ उसमें, या मैंने बोलना किस तरह से है, मेरी आवाज क्या होगी किरदार की, वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। क्योंकि उसमें जो मैं अदाकारी कर रहा हूँ वो मोस्टली जो मैं अपना आप हूँ मैं वही प्ले कर रहा था। मैंने कुछ उसमें ऐसा कोई ऐसी फनकारी नहीं डाली कि मुझे उस किरदार के लिए कुछ और बनना पड़े। I was just trying to be natural. I was just trying to be myself. क्योंकि वो किरदार मेरी अपनी personality से काफी मिलता जुलता था। किरदार जो था तावान में वो एक कह लीजिए कि पिशावर या इस तरह के किसी इलाके का लड़का है, इस्लामाबाद में रहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, घर वाले उसके जो हैं वो किसी दूसरे शहर में, वो यहाँ पे अकेला रह रहा है। जो ड्रामे का जो लीड है वो स्टोरी में मेरे किरदार के पास आके रहना शुरू हो जाता है। सो ऑल इन ऑल इट वाजंट चैलेंजिंग के लाइक इन दैट सेंस के मैंने कैरेक्टर में क्या प्ले करना है, बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट ऑन टीवी। सो द मेन चैलेंज फॉर मी वाज के आई हैड नेवर डन एक्टिंग ऑन टीवी बिफोर दैट। और अब टीवी की एक्टिंग जो है वो काफी कह लीजिए कि जिस तरह अभी मैं आपको एक फ्रेम में नजर आ रहा हूँ,
सो टीवी की एक्टिंग भी इसी तरह की होती है, एक फ्रेम होता है, उसमें आपको जरा एक ठहर के अपना वॉल्यूम बरकरार रखते हुए आंखों से काफी आपको गेम प्ले करना पड़ता है, रादर देन द बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज. टीवी इज नॉट लाइक थिएटर, यू नो, थिएटर में देयर इज अ लॉट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्वड. आप बॉडी एग्जेजरेट करके, क्योंकि आपके सामने लाइव ऑडियंस होती है थिएटर में, यू आर केटरिंग टू देम, राइट? सो बिल्कुल टीवी ऐसा नहीं है. मुझे अपनी परफॉर्मेंस को टोन डाउन करना पड़ा, मुझे ये समझना पड़ा कि ठहर के एक्टिंग, अदाकारी किस तरह से की जाती है, बात करते हुए ज्यादा हिलना नहीं है, ऐसे ऐसे, यू नो, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्टिंग में, लाइक टीवी की एक्टिंग में इस तरह से भी होता है कि अगर आपने आप आई थिंक ड्रामास आपने देखे हुए हैं, तो उसमें आपने नोट किया होगा कि एक वो क्लोजअप होता है. अगर मैं एक सीन में बैठा हूँ, कैमरा मेरे सामने है, सो वो मेरा क्लोजअप है. मेरे बिल्कुल ऑपोजिट जो कैरेक्टर है, जब उनका क्लोजअप आएगा तो कैमरा मेरी बैक पे आ जाएगा, यू नो. सो बिल्कुल अक्सर इस तरह से होता है कि आपका जब क्लोजअप होता है तो आप दे रहे हो अपना क्लोजअप, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सामने वही किरदार खड़ा हो. लाइक सीन, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. अक्सर ऐसा होता है कि आप चीट कर रहे होते हैं. आप जैसे मेरे सामने ये अभी एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है, मैं इस गुलदस्ते की तरफ देखकर एक लड़की इमेजिन कर रहा हूँ और मैं इसको देखकर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यू नो. सो यू हैव टू चीट, यू हैव टू बेसिकली. ये सो चीज मैंने दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग. आई मीन, अब मेरा पहला या दूसरा दिन था और वो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि इसकी तरफ देखकर चीट करके बोलो. अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार कैमरा इधर है, मैं वहां देखकर बात कर रहा हूँ और वहीं देखकर मैंने बात करते रहना है, डायलॉग्स अपने सारे इसी तरह से देने. सो दैट वॉज चैलेंजिंग. सो वाई आई से दैट आई रियली रिस्पेक्ट इमाद, बिकॉज ही वेंट अप एंड स्टूड एट दैट पॉइंट जहां पे मैंने देख कर बोलना था. सो मुझे, लाइक, मुझे चीट नहीं करना पड़ा. लाइक ही एक्चुअली वेंट एंड स्टूड देयर. सो फॉर अ गाय जिनका पहला दिन था, जिन्होंने पहले जिसने पहले कभी इस तरह से एक्सटेंसिवली एक्टिंग की हुई नहीं थी, सो दैट वाज रियली रियली काइंड जेस्चर ऑफ हिम. सो आई एम रियली थैंकफुल टू टू हिम एक्चुअली. नाइस अच्छा थोड़ा सा आप उस बता रहे थे कि उससे पहले आपने जिस तरह इमाद के सामने म्यूजिक प्ले किया, तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको लाइव म्यूजिक प्ले करने की रिक्वेस्ट ना करूं, तो क्या कहते बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपना गिटार रेडी रख के हैं? बैठा हुआ. जबरदस्त सो देयर्स दिस सॉन्ग ऑफ माइन, तो सुनो, इट्स कॉल्ड तो सुनो. इट्स एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल ऑन द इंटरनेट, ऑन माय यूट्यूब. सो आई होप यू गाइस लाइक इट. जबरदस्त जबरदस्त वेरी नाइस थैंक यू. अच्छा थोड़ा सा हमें दो सुनो के बारे में बताएं, हाउ डिड किस तरह बना, किस क्या इसके पीछे की बैक
किस्सा लिखा आपने, द जर्नी बिहाइंड इट? सो तो सुनो इज अ सॉन्ग व्हिच आई मीन आई केम अप विद दिस सॉन्ग व्हेन आई जिसे कहते हैं ना कि बात पक्की हो जाना. अच्छा. तो जब मेरी मेरी वाइफ से बात पक्की हुई थी इन 2017, तो यू नो आप थोड़ा कुछ अलग ही जोन में होते हैं. सो उस वक्त मैं कुछ गिटार प्ले कर रहा था और ये कुछ बोल मेरे जहन में आए, ये ट्यून मेरे माइंड में आई. सो ये जो कोरस है तो सुनो दिस आई केम अप विद. फिर मेरा एक मेरे बैंड में एक बेसिस थे वलीद उस वक्त मेरे साथ. सो ये जाकर मैंने उनको सुनाया कि यार मैंने एक थोड़ा सा ऐसे कोरस मेरे माइंड में आया है, इसके इर्द गिर्द कुछ हमने बनाना है. सो कोरस और ब्रिज जो है इस गाने का दे वर कंपोज बाय मी, और जो बाकी जो वर्सेस हैं वो मेरा जो बेसिस था वलीद वो उसने लेकर आया. तो फिर हमने बजाना शुरू किया और turned out something good. फिर उसको प्रोड्यूस किया लियो ट्विंस, एक काफी बड़ा नाम है, इमर्जिंग टैलेंट है, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया. तो सुनो एक्चुअली तो सुनो मैंने रिकॉर्ड किया था 2017 में, बट कुछ ऐसे इश्यूज हो गए जिनकी वजह से मैं अपना म्यूजिक भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था उस वक्त, और ये गाना भी मैं रिलीज नहीं कर पाया. सो वन थिंग लेड टू अनदर, मैंने फैसला किया कि मैं कराची जाऊंगा और मैं टीवी पर काम करूंगा. सो I went to Karachi in 2018. I started looking for work on TV. I actually got work on TV. फिर दो साल तक मैंने कोई म्यूजिक नहीं रिलीज किया, कहीं कोई कॉन्सर्ट कुछ भी नहीं किया. सिर्फ I just kept on searching for acting jobs, acting gigs. मैंने 3-4 ड्रामों में काम कर लिया, कुछ एड्स कर लिए थे. मेरा एक पुराना गाना था मलंग, जो कि मैंने 2017 के स्टार्ट में कहीं रिलीज किया था. बिल्कुल. सो वन डे आई गॉट अ मैसेज ऑन माय फेसबुक पेज फ्रॉम अ वेरी डियर फैन, जिन्होंने मुझे ये मेंशन किया कि आपका जो गाना था मलंग वो मेरे 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 काफी मुश्किल वक्तों में उस गाने ने मेरी मदद की. दैट फैन वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू सम डोमेस्टिक वायलेंस. Or she mentioned that, you know, when that thing was happening with me, so मैं अपना मूड को बेहतर करने के लिए आपका गाना मलंग सुनती थी. So और उन्होंने मुझे ढूंढा इस तरह कि उन्होंने तावान ड्रामा देख लिया ना. So जब ड्रामा देखा तो उसमें उन्होंने पहचाना कि ये तो वो लड़का है. तो कास्ट में उन्होंने नाम शाम देखा, मुझे सर्च किया, मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि लाइक You should come out with more music. मतलब मलंग was the last song जो उसके बाद से एक ब्रेक लग गया था लंबा. So मेरे फोन में तो सुनो गाना पड़ा हुआ था पिछले 2-2.5 साल से. मैंने कहा कि why not release it, put it out. So that gave me energy. फिर मैंने we started working on the video and everything. फिर एक दिन उसको YouTube पर release किया. YouTube पर जब रिलीज किया तो एक इंडियन चैनल था विच रिसेंटली गॉट बैंड, दैट चैनल वाज कॉल्ड लास्ट सिगरेट. सो लास्ट सिगरेट पे मेरा वो गाना उन्होंने फीचर किया तो सुनो, और उससे एक ऑडियंस आई मेरे चैनल पर भी, और वो गाना सरप्राइजिंगली इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. द फैक्ट माई म्यूजिक is not being heard a lot in Pakistan, but it's doing pretty good in India. I mean, 70-80% of my audience is from India. So, pretty seen, I mean, I don't mind. As long as people... यहाँ पे आपने बड़ी जबरदस्त बात हाईलाइट की है. जिस तरह अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि उर्दू रेडियो डॉशन जो है, हमारा भी यही मोटिव है कि हमारे जो आर्टिस्ट है, हमारा जो आर्ट्स है, उसको हम यूरोप में इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पे प्रमोट करें.
इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ये बड़े इस तरह के प्लेटफॉर्म बड़े मौजूद हैं कि वो प्रमोशन करते हैं अपने आर्टिस्ट को, अपने आर्ट्स को, इनफैक्ट बाहर के आर्टिस्ट को भी वो अगर काम बहुत अच्छा हो तो वो इस तरह प्रमोट करते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान में कितनी जरूरत है, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आपके आर्ट को प्रमोट करें, आगे लेके आए, फॉरन प्रमोट करें फॉर एग्जाम्पल। सर जरूरत तो हमेशा से रही है, जब से रैपिड लेबल्स वगैरह खत्म हो गए। तो अब आप ये देखिए कि मेरे जैसा अगर एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक करना चाहता है, सो देयर इज नो एवेन्यू, आई मीन देयर इज नो इंडस्ट्री, देयर इज नो नथिंग, यू आर ऑन योर ओन। एंड एक होप होती है, एक उम्मीद का ही सहारा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा कोई गाना बिल्कुल फट जाएगा और मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे एंड ये वो सब। सो आई मीन आई नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे किसी रिकॉर्ड लेबल या किसी की सपोर्ट की ऐसे जरूरत है। जितना है अल्लाह का शुक्र है, एक सर्कल बना हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। मेरा ये कहना है कि जो म्यूजिक है या कोई भी आर्ट है, जो भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं आजकल के दौर में, वो अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ग्रो कर रहे हैं कि वो अपना कंटेंट रेगुलरली बना रहे हैं और वो कंटेंट यूट्यूब या जितने भी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर रेगुलरली कॉन्टेंट निकाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अभी जैसे थोड़ा मैंने अब तक 10 गाने रिलीज किए हैं, तो उन 10 में से एक गाना तो सुनो जो काफी ज्यादा ऑडियंस को पसंद आ रहा है। सो माय एम इज टू कीप ऑन वर्किंग ऑन मोर म्यूजिक, कीप ऑन रिलीजिंग मोर कंटेंट, और इसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता रहता है और इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी कुछ सीन बन जाएगा। और इसमें से ये बात जानना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी के इश्यूज हम हाईलाइट करते हैं वो कितना जरूरी है हमारा, ताकि हम आवाम को, एक हमारी जो ऑडियंस है, बताएं कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट ये सारा कुछ ये मैसेज शो करना। सर देखिए, हमारे मुल्क में देयर इज नो डाउट कि टीवी इज द बिगेस्ट मीडियम, हर घर में देखा जाता है और खवातीन, हर घर की खवातीन सब देखती हैं। सो टीवी की जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान में सिनेमा या फिल्म नहीं अचीव कर सकती, इट्स अ फैक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीवी पे जो हम कंटेंट शो करें, दैट इज उसकी जो मोरालिटी है, उसमें जो लेसन है कि आपकी, आपका कंटेंट अगर आपका पूरे मुल्क की ऑडियंस देख रही है, तो वो ऑडियंस इन द एंड उस कंटेंट को देखने से लेकर क्या जा रही है, क्या आपके कंटेंट से कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके मुल्क पे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक आजकल हम काफी ज्यादा देख रहे हैं कि बैन करने का कल्चर बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि कंटेंट को चांस देना चाहिए। बैनिंग समथिंग इज नॉट रियली अ सॉल्यूशन, मतलब आप क्या कुछ ही बैन कर लोगे, फिर तो इवेंचुअली हर प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा कंटेंट भी होता है, कुछ बुरा कंटेंट भी होता है, उसकी वजह से आप पूरा वो प्लेटफॉर्म ही बैन कर दें। सो बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। आई थिंक हमारी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है जो लोग देखने वाले हैं उन पे। अगर किसी ड्रामे की स्टोरी ऐसी है जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं, ऑब्वियसली वो ड्रामा 30 से 35 से 40 एपिसोड्स का ड्रामा होता है, विच मींस 30 to 35 to 40 weeks, राइट? तो अगर एक ड्रामा चला है और स्टार्ट में उसमें कुछ
ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लग गई हैं जो सोसाइटी के मसाइल आप कह लें या कुछ इस तरह की ट्रैक से हटकर कुछ स्टोरी है, तो इवेंचुअली ऑब्वियसली उसकी जो आखिरी जो 35 से 40th वीक में जो कंक्लूजन होगा उसमें जिस जिसने उस स्टोरी में बुरा किया है उसके साथ भी बुरा होगा। ऐसा किसी ड्रामे में मैंने नहीं देखा कि मतलब किसी ने बहुत बड़ी ज्यादती की हो और उस ड्रामे के एंड में वही ज्यादती करने वाला ही विनर बन गया हो। सो आई कंटेंट शुड बी गिवन अ चांस एग्जैक्टली टू स्पीक फॉर इटसेल्फ, और फ्रीडम ऑफ विल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। आई मीन लेट द ऑडियंस डिसाइड, आई मीन दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। मतलब अगर अब मैं एक 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 चीज बनाना चाह रहा हूँ लेकिन वो मैं इस वजह से नहीं बना पा रहा कि फला स्टेट में उसके खिलाफ ये हो सकता है या फला स्टेट में उसके खिलाफ ये हो सकता है, जैसे एक मेरे बड़े ही बचपन के मेरे एक आइडल हैं आशिर अजीम साहब। आशिर अजीम शाह साहब जो थे वो धुआं एक ड्रामा आया था हमारे बचपन में, सो बिल्कुल उन्होंने वो किया था। सो नाउ इट मेरे लिए बड़े दुख की बात थी जब उन्होंने अपनी काफी किसी तरह उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की मालिक के नाम से, और वो मालिक मूवी जो थी वो कुछ दिन सिनेमा में चली और फिर वो बैन हो गई क्योंकि बिल्कुल ऐसा उस मूवी कुछ इस तरह की थी कि सिंध के मिनिस्टर को कुछ गलत करते हुए दिखाते हैं उसमें एंड देन इवेंचुअली गेट्स टू किल दैट गाय। सो द इशू विद दैट इज के फिर ऐसे बंदे मतलब वो क्यों कोई कंटेंट बनाएंगे, अब उनको क्या पड़ी है कि उनकी एक मूवी बैन हो गई है तो व्हाई वुड ही गो थ्रू ऑल द हैसल। बिल्कुल सॉरी अबाउट दैट, आई मीन प्रोड्यूसिंग कंटेंट, प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, प्रोड्यूसिंग ड्रामास, प्रोड्यूसिंग म्यूजिक वीडियोस, यू नो इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट इज अ हैसल हाँ काफी और टाइम जब बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है इसके लिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो या आई मीन पीपल आर हार्श, बिल्कुल सही बात बट इट इज आई मीन बिल्कुल। ऐसा ही है, आई अरे थिंक ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा ये बताएं कि आपके अभी करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपके कोई मूवी में कोई रोल आ रहा है फ्यूचर में? सो एक प्रोजेक्ट पे बात चल रही है जबरदस्त बट आई कैन नॉट मेक एनी अनाउंसमेंट्स क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आई हैव ऑडिशन फॉर समथिंग समथिंग रियली गुड और आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड होपिंग कि आई गेट पार्ट। उसके लिए आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई फिटनेस दीज डेज काफी ज्यादा रिगुरसली। I have to lose a few kgs, so I'm working on that. Other than that, I have written down like some songs. मैं उनको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। बेसिकली माई एक्टिंग करियर इज सेपरेट, माई म्यूजिक करियर इज सेपरेट। अगर लाइक रेट्रोस्पेक्ट देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, बट आई ट्रीट देम अलग अलग। सो म्यूजिक के लिए आई एम यूजिंग ऑल दीज यूट्यूब एंड ऑल, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड एक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। एक्टिंग के लिए आई एम ऑडिशनिंग जहां जहां मुझे पता लगता है कहाँ कहाँ पे मैं दरवाजा खटखटा सकता हूँ, सो आई एम ऑडिशनिंग फॉर दैट। बट समथिंग विच आई कैन अनाउंस, आई डोंट हैव एनीथिंग एक्टिंग रिलेटेड बट माई म्यूजिक फैन शुड बी एक्साइटेड बिकॉज I have written down some good songs, I hope. म्यूजिक म्यूजिक की बात की है तो क्या कहते हैं, छोटी सी परफॉर्मेंस हो जाए, अगर हल्का सा टीजर हो जाए नेक्स्ट का अपकमिंग सॉन्ग का, तो वो तो जबरदस्ती हो जाएगा। श्योर सम अपकमिंग सॉन्ग आई डोंट थिंक कि आई शुड डू दैट, बट देयर इज वन सॉन्ग विच आई रिलीज्ड लाइक 2 वीक्स अगो ऑन माय यूट्यूब, इट्स कॉल्ड गोरिया एंड इट्स म्यूजिक वीडियो इज आउट, ऑल ऑफ यू कैन गो एंड चेक इट ऑन माय यूट्यूब।
तेरे कानों की लाली, गुरिया तेरे गानों की लाली, ले गई दिल भी गई, ओ मेरा दिल ले गई, गुरिया तेरे गानों की लाली, गुरिया तेरे गानों की लाली, ले गई दिल भी गई, ओ मेरा दिल ले गई, गुरिया अगर आपको एक मूवी ऑफर होती है, उसमें तीन मूवीज ऑफर होती है, उसमें तीनों मूवीज में डिफरेंट एक्ट्रेसेस है, एक है एक है मायरा खान, आयशा उमर और एक है महवेश, तो इन तीनों में से किस मूवी को हाँ करेंगे, किसके साथ और इनकार किसको करेंगे? आयशा उमर, रियली? खैर, एक दूसरा सवाल, एक बैंड आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है किसी म्यूजिक में, आपकी अपकमिंग सॉन्ग में फॉर एग्जांपल, तो इनमें से किस बैंड के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, बयान, कश्मीर या स्ट्रिंग्स? Strings, definitely. Strings, definitely. और आखिर में आपको for example किसी पॉलिटिशियन की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, तो इसमें से किस पॉलिटिशियन की हेल्प मांगेंगे, बिलावल, मरियम नवाज या शाह महमूद कुरैशी? मरियम नवाज. Nice. मरियम नवाज, definitely. She's really cool. अच्छा, हमारे प्रोग्राम को इतना बताया था, वक्त बड़ा लिमिटेड है, तो जाते रहे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया उर्दू रेडियो डॉयचलैंड जो है, हम जर्मनी में अपने हमारे पाकिस्तान के आर्ट्स को प्रमोट के लिए काम कर रहे हैं, तो उर्दू रेडियो डॉयचलैंड के लिए अपने फैंस को और व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने तमाम फैंस को यही मैसेज देना चाहूंगा कि, बड़ा मुश्किल से सवाल पूछ लिया आपने, बट यही मैसेज देना चाहूंगा कि खुश रहें और अच्छे लोगों में उठें बैठें, पॉजिटिविटी फैलाएं और बस यही, खुश रहें और खुशियां मांगते रहें, एंजॉय करें, मेरा म्यूजिक सुनें. बस यही यही, क्योंकि यही जिंदगी है. आई मीन इट्स ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी एंड हैविंग नो रिग्रेट्स, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड एंड नॉट कीपिंग द रिवॉर्ड इन माइंड. Mm-hmm. Just be good. Just be good. Just try to be good. Just try to work on yourself every day. That's it. Thank you. Very nice message. Nice message. So all the best for your future endeavors. Or inshallah, looking forward to your upcoming projects. For liye. Or I'm really excited. Jaldi se aapka music sunne ko mile aur jaldi se aapka projects aaye. Thank you so much. Thank you so much. I mean, it's an honor. Aapne mujhe ek interview ke liye बुलाया और बहुत मजा आया. आई मीन बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे आपने. सो डेफिनेटली डेफिनेटली वी शैल कीप इन टच एंड दैट्स इट. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज. तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ड्राइंग रूम टॉक. आई होप आपको मजा आया होगा. कासिम बिन तारिक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमारे साथ अपने सॉन्ग्स प्ले किया, बड़ा मजा आया उनसे गपशप की, बड़ा कुछ जानने को मिला उनके बारे में. तो मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाजत और उर्दू रेडियो डॉक्टर की टीम को अपनी दुआओं में रखिएगा याद. अल्लाह हाफिज़.